हेलो एवीज, वेलकम टू गुरुमा इन दी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जब आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या होगा। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन आपसे क्या कहेगा, क्या सोच रहा होगा एंड किस सिचुएशन में आप मिलेंगे और किन टॉपिक्स पे डिस्कशन हो सकता है। तो अगर ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो ये रीडिंग भी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एवीज। फाइव ऑफ बोन्स, द व्हाइट हार्ट, द इंचेंटर, Six of Visions and the Fair Event. Okay. ये पर्सन अगली बार आपसे मिलने से पहले काफी सारी तैयारियां करेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि वो आपके लिए सुटेबल नहीं है या आपके लिए इनफ नहीं है। फाइव ऑफ बूंस देख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो बहुत पुअर है जब बात आती है स्किल्स की रोमांस और लव में। उन्हें लगता है कि उन्हें सीखने की ज़रूरत है दूसरों से, या गाइडेंस या एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन जब अगली बार आपसे मिलेगा तो हो सकता है इनके साथ कोई हो, ओके, कोई एक पर्सन हो सकता है जो इन्हें लगेगा कि उस पॉइंट पे उनके साथ होना नहीं चाहिए। मतलब ये पर्सन आपसे मिलेगा, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेगा, बट किसी के होने की वजह से ये पर्सन ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएगा। इनफैक्ट फाइव ऑफ बूंस के साथ ये कोई अपोजिट सेक्स का फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है इनके फैमिली में से कोई जो शायद इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव वे में ना देखे, और इसलिए ये पर्सन बहुत कुछ कहेगा नहीं आपसे, ओके। ये पर्सन चाहेगा कि चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी कैजुअल रहे, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी नॉर्मल रहे। उस पॉइंट पे पर्सन ज़्यादा रोमांटिक या ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आना चाहेगा, बट बात बस नज़र ना आने तक की ही है, क्योंकि अदरवाइज द वाइट हार्ट के साथ इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको यूं ही कहीं अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए, ओके, आप कई बार जाए और ये पर्सन आपको किसी के साथ नज़र आ जाए एंड ये पर्सन बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि शायद ये सही वक्त नहीं था आपसे मिलने का, बट जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती हैं। एंड ये पर्सन आपको देख के सोचेगा कि वाह, आप कितने गॉर्जियस लग रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ ये पर्सन नोट करेगा वो है आपका लुक्स। एंड द इंचेंटर के साथ उस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ओके। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए हों, या ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक इनिशियल फेज में ही हो, या कोई पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश हो। चाहे सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन अभी भी खुद को आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं समझता। उन्हें लगता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उन्हें खुद में अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने हैं, बहुत सारा वर्क करना है, ओके। सिक्स ऑफ विजन्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्हें ड्रीम्स देखते रहना चाहिए, ये पर्सन अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं चाहता। एंड हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे अगली बार तो इस पर्सन को लगेगा कि वो बहुत वेल ड्रेस्ड नहीं है या बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, एंड आपको देख के वो सोचेंगे कि आप कितने अमेजिंग लग रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपको उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए था, इस तरीके से ड्रेस्ड या इस तरीके से कहीं बाहर। उन्हें लगेगा कि ये ठीक नहीं हुआ, एक तरीके से उनका इम्प्रेशन खराब हुआ, उन्हें ऐसा ही लगेगा। हमारे पास है द फेयर इवेंट का कार्ड, तो थोड़ी सी फनी सिचुएशन ज़रूर हो सकती है, बट द फेयर इवेंट के साथ ये पर्सन आपको देख के सोचेगा कि
यही तो वो पर्सन है जिसे वो हर सेकंड देखना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपको देखना हर सेकंड चाहता है कि आप हमेशा उनके सामने रहें। बट जब आप सामने आ जाएंगे तो ये पर्सन थोड़ा एम्बेरस हो जाएगा, थोड़ा सा शर्मा जाएगा और सोचेगा कि ये ऐसे क्यों हुआ, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, कोई और बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। इस पर्सन को लगेगा कि उस पॉइंट पे चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, ना वो कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ना आपके ज़्यादा क्लोज खुद को दिखा सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई ऐसा है जिसे ये रिलेशनशिप हो सकता है पसंद ना आए, तो ये पर्सन थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हो जाएगा। बट देन उस बात को भूल के ये पर्सन फिर से ड्रीम करने लग जाएगा। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में वो इस चीज़ को भूलने में थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि उन्हें अब अगर अपने आप को एक दूसरे तरीके से दिखाना है तो खुद पे वर्क करना पड़ेगा। ये पर्सन चाहेगा कि ये जो इमेज आप उनकी देखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, आप उसे इरेज कर दें, अपने दिमाग से निकाल दें, ताकि वो एक नई इमेज क्रिएट कर सके। ओके, इनफैक्ट इसलिए पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन बनना चाहता है और कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हो सकता है। ओके, बैकग्राउंड में, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। काउंसिल ऑफ एनिमल्स, सिक्स ऑफ बोन्स, चाइल्ड ऑफ बोन्स, एस ऑफ बोन्स एंड फोर ऑफ विजन्स। सो द काउंसिल ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे। काउंसिल ऑफ एनिमल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे कि हर कोई उनके बारे में जानता है। कोई जाने ना जाने इनके मन में यही रहेगा कि हर कोई इस रिलेशनशिप के बारे में जानता है। उन्हें ऐसा लगेगा कि हर कोई उन्हें समझता है और ये पर्सन थोड़ा सा शर्मीला है। ओके, ये पर्सन रिलेशनशिप के मैटर में बहुत चीज़ों को सीक्रेट ही रखना चाहता है जब तक कि वो पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए। ये पर्सन एक्चुअली रूमर्स से दूर भागना चाहता है। ये पर्सन जजमेंट नहीं चाहता और नहीं चाहता कि कोई बेवजह उनके बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में बातें करे। इसलिए ये पर्सन चाहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहे, जब तक कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे देते या फिर बात आगे नहीं बढ़ जाती। आपकी तरफ से भी उन्हें जब तक नहीं लगता कि उतना ही इंटरेस्ट है, बिकॉज अगेन ये पर्सन खुद को इस फ्रॉक की तरह देख रहा है। ओके, ये अंगूठी लेके आए हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन करे तो क्या करे, आप है प्रिंसेस और ये पर्सन है फ्रॉक। नॉट लाइक जेंडर इतना आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कार्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये पर्सन चाहता है कि वो आपको कमिटमेंट दे, बट फिर उन्हें लगता है कि शायद वो इस कमिटमेंट के लायक नहीं है अभी और आप उन्हें सीरियसली लेंगे भी नहीं। चाइल्ड ऑफ बून्स के साथ यहाँ पे एक सरप्राइज है। पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें एक बहुत लंबे समय के बाद खुशी का रास्ता मिला है। ये पर्सन बहुत सारी ट्रेजडीज से गुजरा हो सकता है रिसेंटली, एंड उन्हें आपको देख के लगेगा कि आउट ऑफ नोवेयर उनके लिए यूनिवर्स ने एक गिफ्ट रखा है, एक तोहफा रखा है। तो जब आप अगली बार उनसे मिलेंगे तो इस पर्सन की आंखों में आपको डेफिनेटली वो चार्म नजर आएगा जो आपको देखते ही क्रिएट हो जाता है। उनके चेहरे पे स्माइल नजर आएगी। ये पर्सन आपसे थोड़ी बातें तो करेगा बट हो सकता है बहुत डेप्थ में ना जाए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन सीक्रेट ही रहना चाहता है। ये पर्सन आपसे हाय हेलो कहेगा और फिर आपको टेक्स्ट करेगा। ओके, हो सकता है कि तुरंत
आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज मिले उनकी तरफ से, या आपको वो पीछे से ये एक्सप्लेन करें कि आखिर वो क्या सोच रहे थे जब वो आपसे मिले और उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, तो इस तरह का कुछ हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम मिले। सिक्स ऑफ बूंस के साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अभी भी ज़रूरत है आपके प्यार की, और नेक्स्ट टाइम मिलके उन्हें लगेगा कि ये जो मीटिंग थी ये अधूरी थी, ये वैसे नहीं हो पाई जैसा वो सोच रहे थे। तो जल्दी ही ये पर्सन उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा और आपसे एक बार फिर मिलने के लिए समय मांगेगा, और फिर से वो सब कुछ ठीक करना चाहेंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा कि शायद आप अपसेट हो गए हैं, या वो जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए, तो इसीलिए पर्सन दोबारा आपसे मिलना चाहेगा। फोर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन हो सकता है इस मीटिंग के बाद काफ़ी अपसेट हो जाए कि आपसे वो मिले तो लेकिन वैसे नहीं जैसा वो चाहते थे, तो फिर से ये पर्सन कोई ना कोई प्लान बनाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको करना चाहिए वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको कुछ और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो करते जाइए और ये पर्सन आगे के स्टेप्स खुद ब खुद लेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि जब आप उनसे मिलेंगे अगली बार तो क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।